कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जाम था जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, ICWA उसको बोलते हैं। तो वही उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए फाइनल जी। अपने रूम के बाहर मैंने सामने जहाँ पढ़ाई करती थी वहाँ मैं CMA लिख दी थी ताकि वो हमेशा दिमाग के सामने रहेगी, नहीं मुझे CMA बनना है। और उसके बाद फिर मैंने उसी टेबल पे अपनी पूरी पढ़ाई की। और बाकी इसके लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई क्विज या फिर कोई जर्नल्स अगर परचेज करना है तो वो मैं ऑनलाइन परचेज कर ले। और फिर मैं यूट्यूब पे मॉक वीडियोज़ या ऐसा मैराथन वीडियोज़ देख के करती थी, पर मेरी पढ़ाई यहीं से हुई थी अपने रूम में। बहुत बहुत से फैमिली ऐसे होते हैं कि उन लोगों का रहता है कि लड़की है तो उसके लिए वो लोग का पहले शादी का ही ज़्यादा सपना सजाने लगते हैं कि लड़की है तो इसके पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो फिर शादी में कहाँ से वो। इसके लिए आई एम वेरी लकी कि मेरे फैमिली इतने कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है। और मैं घर में पहली लड़की भी हूँ, अपने फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ और उसमें भी मेरे पापा ने मेरे को इतना पढ़ाया, इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल। पढ़ाई कहाँ से करते थे, मुजफ्फरपुर में रह के या फिर घर से बाहर निकलना पड़ा था आपको या फिर सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह से? नहीं, इसका फाउंडेशन का जो लेवल था तो उसकी पढ़ाई यही कोचिंग में ही हुई थी, मुजफ्फरपुर की मतलब कोचिंग थी एक RCCA इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। बट उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई यहीं से की। ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। मुजफ्फरपुर के बेटी, मुजफ्फरपुर के मान सम्मान बढ़ाने वाली स्वाति हमारे साथ मौजूद है, परिवार वालों के साथ साथ और रिश्तेदार का भी जो है कॉल आ रहा है और मुबारकबाद दे रहे हैं। स्वाति, कौन सा एग्जाम था और कैसे क्या कुछ हुआ बताइए। जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जाम था जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, ICWA उसको बोलते हैं। तो वही उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए फाइनल। तो इसमें क्या कुछ करने का मौका मिलेगा आपको, क्षेत्र है? जी, इसके बाद तो आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे एक, आप अपना प्रैक्टिस खोल के आप अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कीजिए और फिर आप कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉस्ट एडवाइज़र बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन गए, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। तो आप फाइनेंस टैक्स रिलेटेड एडवाइस आप लोगों को दे सकते हैं। इसके लिए आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं, बाकी इनकम टैक्स GST ये सबसे रिलेटेड काम तो आप कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जॉब में जाना चाहें तो जॉब में भी स्कोप है। जैसे पब्लिक सेक्टर जॉब अगर हुए हैं, जैसे लोगों का एक होता है सरकारी नौकरी, तो उसके लिए भी इसके लिए स्पेशल वैकेंसी या स्पेशल कोटा रहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। जैसे कहीं भी जहाँ पे भी CA होते हैं वहाँ स्लैश दे के CWA करके एक वैकेंसी इन लोगों के लिए भी होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत डिमांड है अगर आप चाहें तो, बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसके बाद आप अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो रिजल्ट कब आया था, एग्ज़ाम इसका कैसे क्या होता है? जी, बेसिकली इसका रिज़ल्ट तो फिक्स ही होता है हमेशा। अभी थोड़ा सा कोविड पीरियड की वजह से इसका रिज़ल्ट एंड एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया था। अदरवाइज इसका दिसंबर में, 10 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होता है और 21 फरवरी को हमेशा रिजल्ट आ जाता है। तो कल रिजल्ट आया इसका। तो पढ़ाई कहाँ से करते थे, मुजफ्फरपुर में रह के या फिर घर से बाहर निकलना पड़ा था आपको या फिर सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह से? नहीं, इसका फाउंडेशन का जो लेवल था तो उसकी पढ़ाई यहीं कोचिंग में ही हुई थी, मुजफ्फरपुर की मतलब कोचिंग थी एक RCCA इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। बट उसके बाद मैंने पूरी पढ़ाई यहीं से रह के की थी। इसके लिए मैं कहीं दिल्ली या कोलकाता कहीं मैं नहीं गई थी, मुजफ्फरपुर में रह के ही अपनी पूरी पढ़ाई एक रूम में की थी, मेरी पूरी पढ़ाई यहीं से हुई थी। एक रूम बंद करके आपने अपना सपना को, उसमें इतिहास को रचा? जी, अपने रूम के बाहर मैंने सामने जहाँ पढ़ाई करती थी वहाँ मैं CMA लिख दी थी ताकि वो हमेशा दिमाग के सामने रहेगी, नहीं मुझे CMA बनना है। और उसके बाद फिर मैंने उसी टेबल पे अपनी पूरी पढ़ाई की। और बाकी इसके लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई क्विज या फिर कोई जर्नल्स अगर परचेज़ करना है तो वो मैं ऑनलाइन परचेज कर लेती थी। और फिर मैं यूट्यूब पे मॉक वीडियोज़ या ऐसा मैराथन वीडियोज़ देख के करती थी, पर मेरी पढ़ाई यहीं से हुई थी अपने रूम में, सेल्फ स्टडी। तो आज जो सफलता प्राप्त हुआ है, श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली को श्रेय जाता है, मेरी जॉइंट फैमिली है तो मेरे पूरे फैमिली का ये सपोर्ट रहा। मेरे अपने पापा, अंकल, एक बड़ी फैमिली है मेरी, मम्मी, भाई, हर कोई है, दादा दादी, तो इन लोगों का एक बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि इन लोगों को हमेशा से मुझ पे भरोसा था कि अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं वो चीज़ के लिए हमेशा मेरे फैमिली ने यही बोला कि तुमको जो करना है किसी का बात सुनो मत, तुम बस जो करना है वो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग को भरोसा है तुम पे।
तो वो एक लड़की के लिए जो है कि जब आपके पेरेंट्स आपके फैमिली आप पे भरोसा करते हैं तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो मोरल सपोर्ट बहुत काम किया, क्योंकि लंबी जर्नी थी तो इसमें एनजाइटी भी होता था, ऑब्वियसली डाउट्स होते थे, सेल्फ डाउट्स होने लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ में फैमिली और पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पापा भी बहुत सपोर्ट किए, उन्होंने हमेशा से सपना देखा था मेरे साथ साथ, ये सपना मेरा नहीं मेरी फैमिली का भी था, तो उनका भी सपना पूरा हुआ। बेटियों को आगे लोग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों? जी बहुत बहुत से फैमिली ऐसे होते हैं कि उन लोगों का रहता है कि लड़की है तो उसके लिए उन लोग का पहले शादी का ही ज़्यादा सपना सजाने लगते हैं कि लड़की है तो इसके पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो फिर शादी में कहाँ से वो होगा। तो इसके लिए आई एम वेरी लकी कि मेरे फैमिली इतने कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है, बहुत ओपन माइंडेड है, और मैं घर में पहली लड़की भी हूँ, अपने फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ, और उसमें भी मेरे पापा ने मेरे को इतना पढ़ाया, इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल कि हाँ उन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया। तो अभी आपको इस क्षेत्र में कौन से जो जॉब है वो अच्छा लगता है, जो चुनेंगे आप? जी अभी कुछ टाइम, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल तो मुझे जॉब करना है फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर मैं अपना ऑफिस या सेटअप करने का भी सोचूंगी। इसके अलावा और भी कोई चीज़ में रुचि उचि? हाँ इसके बाद फिर अब जर्नी, अभी तो ये पहला अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट रुकेगा नहीं, बट हाँ कोशिश रहेगी कि आगे फिर और पढ़ाई मैं करूँ, इससे रिलेटेड इसका भी हाईएस्ट लेवल पढ़ाई होता है, वो सब करने का सपना है। कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी का क्या नाम हुआ? शशि भूषण शर्मा नाम हुआ। हम लोग छपरा जिला के मूल निवासी हैं, सीतलपुर शर्मा टोला, छपरा जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं, पर हम लोग अभी यहाँ मतलब मुजफ्फरपुर में बस रहते हैं। हाँ रह रहे हैं। क्या नाम है? स्वाति कुमार।